चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा लगा करके आजादी के उत्सव के साथ 135 करोड़ लोगों को जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों, यह है कमाल का नेतृत्व। और जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है। भाइयों बहनों, अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करेगा। दुनिया की सुरक्षा के लिए, दुनिया की समृद्धि के लिए, दुनिया की शांति और सौहार्द के लिए भारत के नेतृत्व में पूरा कार्य होने वाला है। अमृत महोत्सव वर्ष पर इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ सुरक्षित हुई भारत की सीमा, और कर्फ्यू पर तो हमेशा के लिए कर्फ्यू गुजरात ने आज से 20 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में लगा दिया था। अब तो देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद भी समाप्त हो गया है। 20 वर्ष पहले जो शुरुआत गुजरात ने की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने आज आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करके पूरे देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। नहीं तो रोज दंगे होते थे गुजरात में, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार मनाए जाते थे, न व्यापार हो सकता था, न बहन बेटियां ही बाहर निकल सकती थी, चारों ओर अराजकता रहती थी, विकास ठप था, नौजवान बेरोजगार था, विकास के कार्य नहीं हो पाते थे, क्योंकि कर्फ्यू और दंगे हमेशा होते रहते थे। लेकिन 20 वर्ष पहले जो शुरुआत आपने की, आज वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल बना। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, दूसरी तरफ भाइयों बहनों, संकट के समय कैसे खड़ा होता है, संकट के समय कैसे खड़ा होना अपने नागरिकों के साथ। अभी कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और उसकी जीविका की भी रक्षा करना, ये तो कार्य हुआ था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और हर गरीब परिवार को डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कहीं ये नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला है। अकेले बिना भेदभाव के भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी मिली है। अपने नागरिकों के साथ संकट के समय कैसे सरकार खड़ी होती है, भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में कांग्रेस होती, न टेस्ट होते, न उपचार होता, न वैक्सीन मिलती और न राशन ही मिल पाता। और आस्था का सम्मान कैसे होना है, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, अयोध्या में 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मैं परसों ही अयोध्या में था। अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में वर्तमान में उसके सजाने संवारने का कार्य हो रहा था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब दीपोत्सव में अयोध्या पधारे थे, कितना भव्य कार्यक्रम था। ये है नई अयोध्या। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे।
कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था मच्छर भी नहीं मरने वाला। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब जो सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, और भाइयों बहनों उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम नए सिरे से सज और संवर रहे हैं। यहां पर द्वारिका धाम भव्य रूप से सज और संवर रही है। माता अंबा का दाता भव्य रूप से सज संवर रहा है। भाइयों बहनों, आस्था का भी सम्मान है, दूरवीरों का भी ये प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित हो रहा है, नौजवानों के रोजगार के लिए भी नित नई स्कीम आ रही है, अन्नदाता किसानों को किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, और अब तो भाजपा ने ये भी घोषणा कर दी है फिर से सातवीं बार गुजरात में सरकार बनते ही आयुष्मान भारत की राशि अब 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए सालाना हर गरीब को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। निराश्रित महिला और वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा पहले से मिल रही है, इसमें वृद्धि की बात हुई है। नए नए रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? और कोरोना काल घंटे में भाई बहन आकर के आपका हालचाल ले थे क्या? तो फिर चुनाव के समय ही ये क्यों दिखाई देते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उनकी कितनी राष्ट्रभक्ति है, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, एक दिन कहते हैं कि राष्ट्रगान होगा और मंच पे खड़े होते हैं फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही इसलिए ही आपत्तित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। बैरियर को हटाइए। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा, बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है,
भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बनाती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का चुनाव जीत रही है, सभी सर्वे इस बात को कहते हैं, लेकिन जीत सातवीं बार ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का 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 दिखाई दे, शानदार हो, जानदार हो, गुजरात की पहचान के अनुरूप हो। इसके अनुरूप तैयार हैं? तैयार हैं आप सभी लोग? इस बात के लिए तैयार हैं? तो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे अपील है कि गोविंद भाई परमार वे अपने दूसरे कार्यक्रम में मौजूद है, यहाँ पर मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, सभी लोग मौजूद हैं। और उन सब की उपस्थिति में गोविंद भाई परमार को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाकर के आप भेजेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।